वहीं कोरिया जिले से अलग जिला बन रहा है चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ भरतपुर जिला। इसी को लेकर चिरमिरी में आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दृष्टिहीन दिव्यांगों ने अनशन पर बैठकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया। दृष्टिहीन दिव्यांगों ने अनशन में बैठकर अपना समर्थन दिया। दृष्टिहीन दिव्यांग कहना उनका कहना है कि हम सब दृष्टिहीन दिव्यांग होने के बाद भी जन आंदोलन में शामिल होते हुए इस पृथ्वी पर आने के कारण को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। अध्यक्ष उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हम लोग दिव्यांग होते हुए भी इस चिरमिरी के लिए अनशन में बैठ गए एक दिन के लिए। अगर जिला के कोई भी व्यक्ति अब अपने घर में रहेंगे, इसका संघर्ष समिति का साथ नहीं देंगे, तो हम लोग कंटिन्यू बिना जल पान का भी हम लोग कंटिन्यू 15-16 दिन हम लोग रह सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि चिरमिरी का हर निवासी आए यहाँ पर परिवार के साथ, जिला बनाओ संघर्ष समिति का साथ दें। मेरा यही विनती है, यह अनुरोध है उनसे। राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में गौतम मित्र मंडल समिति 12 साल पूरा होने पर दही लूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया। समिति के सदस्यों का कहना है कि कहीं भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ही आयोजन को पूरा किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कहना था कि पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के लिए बल भी तैनात किया गया है। दही लूट गोविंदा समिति मानव मंदिर चौक मित्र मंडल के द्वारा विगत 12 वर्षों से लगातार जारी है। इस वर्ष जो है प्रशासन का भी गाइडलाइन का पालन किया गया, ज़्यादा भव्यता जो है जो जबलपुर भंडारा जबल दांतेवाड़ी की टीम आती थी उसको इस बार आमंत्रित नहीं किया गया है। स्थानीय बाल गोपाल के द्वारा बच्चों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है और प्रसादी महाआरती का भी आयोजन है। उसके बाद जो है छोटी मोटी पुरस्कार का काम कार्यक्रम, इसमें दही लूट के जो कार्यक्रम है उसको उसकी मनाही है। इसके कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे इस पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीजे को भी प्रतिबंधित किया गया है, सिर्फ भजन के लिए इनको परमिशन दिया गया है, वो भी 4 बाप को लिमिटेड साउंड में। और इसमें दही लूट के लिए ये है कि सांस्कृतिक तौर पे होगा, एक बच्चा आएगा और डंडे से जो है हांडी को फोड़ेगा। उधर बेमेतरा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी डिस्केवर साहू निवासी सरदा एक युवती को बहला फुसलाकर शादी के प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सिद्ध पाया गया है। पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा के मुताबिक उसका दोष सिद्ध होने के बाद उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर थाना बेदला ने अपराध पंजीकृत करते हुए विवेचना में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को दोषी पाया गया। 1000 रुपये के अर्थदंड से भी उसे दंडित किया गया। पूरा मामला बेमेतरा क्षेत्र के बेरला थाना का है, जिसमें आरोपी डिकेश्वर उर्फ डिकेश्वर और पीड़िता कपड़े दुकान में काम करने के दौरान दोनों का जान पहचान हुआ। जान पहचान होने से आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर बला फुसलाकर अपने गांव ले जाकर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया तथा तो घटना के बाद थाने में लिखित आवेदन देने पर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए, जिस पर आरोपी को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पंकज सिन्हा द्वारा धारा 376(2)(d)(506)(b) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। वही नेशनल हाईवे सुंदरा के पास रायपुर से नागपुर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग सुखीराम साहू सुंदरा चौक पर सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान बस ने उन्हें ठोकर मारी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, कुछ ग्रामीणों ने तो बस में भी तोड़फोड़ कर डाली। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत करवाया गया। पुलिस बस चालक को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश में जुटी हुई।
वो सुबह ना दोपहर में उनका सम्मानित किए थे। आज हम लोग हाई स्कूल अपना प्राथमिक शाला स्कूल में वो सबसे पहले बैच वाला अपना पढ़ने वाला था। 75 साल होने के बाद उनको पूरा पंचायत और स्कूल मिलकर उनको सम्मानित किया है। उनके बाद एक आध दो घंटे बाद इधर चाय वाय पीने टहलने आया था और इसी बीच में ना इधर से उधर क्रॉस हो रहा था। क्रॉस होने के चक्कर में रायपुर से जो नागपुर वाला है वो बस ना आके ठोक दिया और इतना ज़बरदस्त हुआ एक्सीडेंट और उनके बाद उनको एडमिट करवाने जिला सिखिदार से ले गया। करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि एक बस रायल की बस थी उसने एक्सीडेंट के पास ठोकर मार दिया है। वहाँ पर तत्काल पुलिस पहुँची थी और बुजुर्ग को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी सूचना मिल रही है कि उनका देहांत हो गया है और जो आरोपी चालक था वो हमारी कंपनी का। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।